so today we are going to do the paper analysis and the paper was conducted by himuda department related to the civil branch and the examination was conducted on 18th of august the 10 questions were there of english and the level of the questions they were very easy they were you can mark it out from easy to moderate not beyond that because everything which we have read Ultimately came in the papers too and they are very very easy. Not a tough word. Even the vocabulary was very easy in that part. Now let's start with the very first question. Here what you have to do is that choose the option when can replace the underlined word without changing the meaning. So it is related to the words that is fettered synonym you had to tell me, right? So what is fettered ultimately? Fettered is when you are confining yourself towards one thing.

किसी को देना कुछ इनेबल कर दिया ग्रांट कर दिया दैट इज टू इनेबल दैट पर्सन रिस्ट्रेन एंड न्यूट्रल ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे न्यूट्रल इज समथिंग वेन यू आर नॉट बायस टू वर्ड एनी थिंग वैन यू आर अ काइंड ऑफ अनबायस्ड पर्सन एंड वेन यू थिंक इन अ न्यूट्रल डायरेक्शन दैट इज यू आर ओके विद एवरीथिंग

दैट दे फर्स्ट एंड थर्ड बी और सी डी को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दो एवरीथिंग दैट दे सारी क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी एवरीथिंग दैट दे वॉन्टेड वॉज गेव है तो वॉज आएगा वॉज गिवेन टू दैम बाय मी कहा है ये थिंग वॉन्टेड वॉज गिवेन टू दैम बाय सो इट इज सी इज द राइट आंसर एंड ए कम्स एज अ रॉन्ग वन क्योंकि इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है एवरीथिंग वॉज वॉन्टेड बाई मी जो मुझे चाहिए था मैंने उनको दे दिया तो पहला तो सेंटेंस का मीनिंग ही गलत है मीनिंग वॉज रॉन्ग रेस्ट टू वर नॉट जस्टिफाइड सो आंसर सी इज द राइट वन नाउ थर्ड पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब आपको इसमें इनकरेक्ट क्या लगता है

लेकिन अगर आपको इसको नॉर्मल सेंटेंस करना है कि मुझे नहीं पता तो वो कौन है तो आई डेंट नो हु आप who he was कर दोगे इसमें मतलब इसमें सब्जेक्ट हु के साथ आ जाएगा और वर्ब लास्ट में चला जाएगा तो हेयर द ओनली पॉसिबिलिटी इज यहाँ पे क्वेश्चन गलत है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है मैन यूज टू वॉक अलोन इट्स राइट

अब देखो इसमें क्या आएगा वेयर हैव यू कैप्ट हैव की फॉर्म कहाँ चेंज होगी हैड में डिड में तो हो नहीं सकती हैज में नहीं हो सकती है हैज में नहीं हो सकती है सिंपल आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट वन सो दीपा इट वुड बी आज शर्मा वेयर शी हैड कैप्ट द बुक्स बिफोर लीविंग होम वॉट एन ईजी वन फिफ्थ सी इट इज ऑल अबाउट आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा अब इट इज अनना इज अ अड मिसैंथ्रोपिस्ट एज शी मैंने फिलानथ्रोपिस्ट कराया हुआ फिलानथ्रोपिस्ट मैनकाइंड की हेल्प करने वाला जो ह्यूमंस की हेल्प करता है वेलफेयर के लिए सोचता है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव ओनली वन इज नेगेटिव एंड वी वांटेड अ नेगेटिव आंसर जो ह्यूमंस को पीपल को डिसलाइक करता है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस थिंग देन इट इज सिक्स क्वेश्चन चेक द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द फॉलोइंगटेंस ओके तो शी इज टू टायर टू वर्क वॉक फॉर

मैंने किसी के विंग्स को बांध दिया है एम आई डेकोरेटिंग पॉजिटिव सपोर्ट कर रही हूं पॉजिटिव लेसन एन वन पार हो सकता है क्योंकि मैंने किसी के विंग्स को बांध दिया उसको उड़ने के लिए क्या कर दिया उसकी कैपेसिटी को रोक दिया इज नेगेटिव डिस्क्राइब अचीवमेंट पॉजिटिव तीन पॉजिटिव है नेगेटिव पे फोकस करेंगे डी इज द राइट आंसर वेरी इजी अगेन एट्थ ना दिस इज समथिंग यू हैव टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन मदर वी डोंट नो द स्टेटमेंट शीतल डोंट वरी एम परफेक्टली राइट नाउ अब ये हॉस्पिटल सर्जरी देखो हॉस्पिटल से आई होती तो आंसर कुछ और होता वेयर आर यू डियर का आंसर होता कि मैं कहा हूं एम एट होम और समवेर सर्जरी डिफिकल्ट हाउ आर यू फीलिंग अब यहाँ पे बोल रही है कि मैं तो ठीक हूं जब आपसे पूछा जा रहा है कि मैं ठीक हूँ इसका मतलब होगा ना हाउ आर यू फीलिंग सो इसका आंसर मोस्ट ऑबली क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए दैट इज डी वन राइट सो डी इज गोइंग टू बी द राइट हेयर Now ninth one choose the correct option tag. You are and suppose ये हमने rule में भी किया था This was our एक जो rules के basic questions की थी list थी 100 first rule. It was you यू supposed to say this 100 rule हंड्रेड थ्रूल यही था इसका अगर नेगेटिव में क्वेश्चन है तो पॉजिटिव में आंसर हो क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉजिटिव में अगर स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव में पूछा जाएगा अब ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव में नहीं हो सकता इस तो आ नहीं सकता डू नहीं आ सकता ये आएगा रीअरेंजमेंट करना है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका अब देखो इसमें है कभी भी सेंटेंस पी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता बट और आर से नहीं हो सकता एस से नहीं हो सकता हमारे पास ऑप्शन है आर या फिर टी टी से कोई स्टार्ट नहीं हुआ मतलब ये दोनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए बच्चे हमारे पास ये दो ऑप्शन राइट पीस एंड ऑर्डर गुड आपकी बात हो रही है इसमें नाउन की पीस एंड ऑर्डर अब इसके बाद आ जाएगा इसके साथ बट ऑल्सो नहीं आ सकता आर ही आ सकता है तो इसमें आएगा आर के बाद क्या आ जाएगा पी आ जाएगा पीस एंड ऑर्डर आर नेसेसरी बी नॉट जस्ट इन आर कंट्री बट ऑल्सो एट It will be Q and but also at the international level. So it will be R P S Q T. Right. So yeah he saw R, S ke R P se. So C is the right one. Now you see the, all the questions, they were very, very easy. They were not, there was no tough vocabulary, nothing difficult rule. They were carrying very generic level. I hope you have scored 10 out of 10 in it. It's the easiest one. All the questions were very, very easy in it in case you have any discrepancy or you want to ask question related to these questions or related to any of the solution you can just drop up in the comments and all the very best keep preparing yourself i hope you have given your best take care bye bye and have a good day